देखो ये मेरे पास एल्की ग्रुप हो गया, मेरे पास ये वाला ग्रुप, मेरे पास एल्किल, ये वाला ग्रुप पूरा आर और ये वाला पूरा ग्रुप आर, और आर ओ आर को तो हम इथर कहते हैं। इथर क्या होता है? इथर होता है आर ओ आर। दो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच होंगे तो वो इथर होगा। तो मेरे पास एल्किल, अब मेरे पास समस्या ये है कि जैसे मैंने डाइमेथिल यहां पे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। जैसे हमने एन हाइड्रेट में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एन हाइड्रेट में क्या किया था, अगर अलग अलग ग्रुप थे तो हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो किया, तो यहां पर भी एज इट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि सेम ग्रुप होने पर तो डाइमिथाइल कर देंगे, जैसे हम एन हाइड्रेट में क्या करते हैं, सेम जैसे हमारे पास में की तो क्रोटोनिक एन हाइड्रेट था, है ना, वाइनिल एन हाइड्रेट लेंगे या ऐसा कुछ भी, माफ कीजिएगा, मैं प्रोपियोनिक एन हाइड्रेट ले रहा हूं, तो इस तरह में अगर सेम कार्बन ग्रुप अटैच है तो एक ही नाम आ जाए, लेकिन आ जाए करता है। लेकिन अगर दो अलग अलग एल्किल ग्रुप अटैच है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें इसका नॉमेनक्लेचर उसी हिसाब से करना। जैसे ये मेरे पास दोनों अलग अलग है तो मेरे पास ये हो जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखूं मैं इसका, तो मेरे पास ये है एथाइल, ये मेरे पास ग्रुप हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा मेरे पास प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल, और ये हो जाएगा इथर, इथाइल प्रोपार्जिल इथर, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये आता है, फिर उसके बाद ये और ये इथर, इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर होता है। अब अगर मैं जैसे इसमें एक बात इसमें स्पेशली ध्यान रखनी है, कई बार हम क्या करते हैं, ये सेकेंडरी टर्सरी और प्राइमरी, सेकेंडरी टर्सरी ये वर्ड हमें, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। सेकेंडरी है, टर्सरी है और प्राइमरी है, डाई ट्राई है, इन इन जो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन आइसो है, जैसे मेरे पास आइसो आता है, नियो आता है, ये नियो और आइसो, आइसो ग्रुप जो होता है, जैसे ये आइसो, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सीखते हैं, देखिएगा, जैसे मेरे पास CH3 CH, ये O ग्रुप अटैच हो गया यहां पे, और ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप आ गया, मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एल्किल ग्रुप को ढूंढूंगा, ये रहा एल्किल ग्रुप और दूसरा एल्किल ग्रुप ये रहा, तो इसको हम कहते हैं आइसो, आइसो प्रोपिल। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूं यहां पे, ये आइसो, ये प्रोपिल, मिथाइल ईथर, इस तरह से इसका नाम होता है। देखिए क्या होता है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं इसके रिगार्डिंग, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एम आता है तो मुझे मिथाइल लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पे आइसो टर्म यूज हो रहा है इसके लिए, तो आइसो नियो इन दोनों को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे, जबकि डाई ट्राई टर्सरी सेकेंडरी इनको हम कॉमन जो है इनमें, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। सेकेंडरी है, है ना, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, मेरे पास डाई हो गया, है ना, क्वार्टनरी हो गया, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। लेकिन आइसो और नियो को होता है, तो यहां पर इसलिए पहले ही ना, पहले आइसो प्रोपिल इसलिए पहले आया क्योंकि यहां आई फर्स्ट पहले आता है एम से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर ये आइसो नहीं होता, एन प्रोपिल होता, तो फिर उस कंडीशन पहले मिथाइल आता, फिर प्रोपिल आता और फिर इधर आता, है ना, ऐसा नाम हो जाया करता है इसका। इसी तरह से मेरे पास एक टाइप ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, ध्यान रखे रहेंगे। दूसरा एक और प्रकार आ जाता है मेरे पास, जैसे मैं इसका, ये मेरे पास इसका नॉर्मल पेचर मैं कैसे करूंगा, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये मेरे पास में क्या है, टर्सरी ब्यूटिल है, दोनों तरफ टर्सरी ब्यूटिल, देखो ये भी टर्सरी ब्यूटिल है, ये भी टर्सरी ब्यूटिल है, तो टर्सरी ब्यूटिल, लेकिन दो टर्सरी ब्यूटिल है तो हम कर देंगे डाई, डाई टर्सरी ब्यूटिल ईथर, इस तरह से इसका नाम हो जाता है वाइनिल ईथर, है ना। जैसे मेरे पास वाइनिल मिथाइल, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये O, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे मेरे पास ये एलाइल ग्रुप और एक वाइनिल ग्रुप है, तो एलाइल वाइनिल ईथर। इसी प्रकार यहां पे O और यहां पे
जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजिल बी पहले आ रहा है, बेंजिल मिथाइल इथर, है ना, बेंजिल मिथाइल इथर, इस तरह से इथर ग्रुप जो है उसका नॉमनक्लेचर होता है। बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, बाकी सारे नॉमनक्लेचर सेम रहेंगे। आ गया समझ में? अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप कीटोन। कीटोन ग्रुप का तो बिल्कुल सेम रहेगा, कीटोन में कुछ भी नहीं है, एज इट इज, जहां से जैसे ये इनका नॉमनक्लेचर हुआ था, एज इट इज कीटोन का नॉमनक्लेचर हो जाएगा, बस यहाँ पे ग्रुप चेंज हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। जहां भी मैं अटैच करता हूँ, जैसे कुछ भी ग्रुप ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया सी एस थ्री और तो सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, तो डाई डाई डाईथाइल कीटोन है ना, जैसे ये जोड़ दिया ये है, तो मेरे पास एथिल मेथिल कीटोन है ना, ऐसे जैसे इधर का नॉमनक्लेचर होता है, ऐसे कीटोन का भी नॉमनक्लेचर हो जाएगा सेम, बस सफिक्स इधर की जगह कीटोन लग जाया करता है, तो दोनों का जो नॉमनक्लेचर होगा बिल्कुल सेम होगा, बस सफिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, कीटोन का होगा तो कीटोन लगेगा, इधर का होगा तो इधर लग जाएगा, अदरवाइज नॉमनक्लेचर बिल्कुल सेम होगा। तो आई थिंक इसका एग्जांपल की जरूरत नहीं है। एमाइन ग्रुप थोड़ा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, एमाइन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। देखिए एमाइन की बात करता हूं, एमाइन जो है मेरे पास में थ्री टाइप्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी एमाइन जो होगा वो RNH2, सेकेंडरी एमाइन होगा RNH, एंड टर्सरी एमाइन जो होगा वो RN, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। एल नंबर ऑफ एल्की ग्रुप देख लीजिए आप, टाइप जितना एल्की ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्ट होंगे उसके हिसाब से हम इसका नॉमनक्लेचर करते हैं। प्राइमरी कौन सा होगा, जो एक एल्की ग्रुप से जुड़ा हो, सेकेंडरी दो एल्की ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और टर्सरी तीन एल्की ग्रुप से जुड़ा होगा, तो इसे कहेंगे टर्सरी एमाइन। नॉमनक्लेचर एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है, ग्रुप के हिसाब से हम नॉमनक्लेचर इसका करते हैं। जैसे मैं प्राइमरी एमाइन की बात करूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया CH3NH2, एक मेरे पास बहुत फेमस आ जाता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, इसका कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये मेरे पास, जैसे मेरे पास है मिथाइल एमिन, ये मेरे पास हो जाएगा, देखो टर्सरी ब्यूटिल हो गया, एक दो तीन चार कार्बन है, तो टर्सरी ब्यूटिल, और ये इसका हो जाएगा एमाइन। ये एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, ये इसका नॉमनक्लेचर हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल एमिन हो जाएगा, इसी तरह से एथाइल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, आइसोप्रोपिल एमिन हो सकता है, उस हिसाब से नॉमनक्लेचर होगा इसका। ये एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है टर्सरी ब्यूटिल एमाइन, ऐसा लिखा जाएगा एग्जाम में, टर्सरी ब्यूटिल एमाइन जो है उसमें एमाइन कौन से टाइप का है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो टर्सरी ब्यूटिल देख के हम क्या करते हैं, कार्बन का हमें याद आता है कि 3 डिग्री होता है, इसी तरह से एमाइन जो होगा वो 3 डिग्री नहीं होगा, एमाइन जो होगा वो 1 डिग्री होगा, प्राइमरी होगा। Always keep it in mind. टर्सरी ब्यूटिल एमाइन का अगर पूछता है कि जो एमाइन है कौन से प्रकार का एमाइन है, प्राइमरी या सेकेंडरी टर्सरी, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है ये प्राइमरी एमाइन होता है, टर्सरी नहीं होता है, नॉन टर्सरी लिखा है, ये टर्सरी इस कार्बन के लिए यूज हो रहा है वर्ड, न कि इस एमिन के लिए वर्ड यूज हो रहा है। एमिन का टाइप पूछेगा तो हमें बताना है प्राइमरी एमिन, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। इसी तरह से नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सेकेंडरी एमिन की बात करो, एज इट इज है कुछ भी नहीं है इसमें, ये मेरे पास में जैसे मैंने ये ले लिया और यहां पर ये ले लिया, तो अब मुझे वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है और लास्ट में एमाइन टर्म यूज हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है और इसमें लास्ट में एमाइन वर्ड यूज हो जाएगा। जैसे सेकेंडरी एमाइन आ गया मेरे पास, ये तो मेरे पास क्या है, ये वाला ग्रुप जो है आर वाला ग्रुप और ये वाला आर वाला ग्रुप, ये आइसोप्रोपिल है, ये मिथाइल है, तो मेरे पास वही एज इट इज कंडीशन आइसोप्रोपिल और ये हो जाएगा मेरे पास में मिथाइल एमाइन, आइसोप्रोपिल मिथाइल एमाइन, इस तरह से इसका नाम हो जाया करता है, वेरी सिंपल है। इसी तरह से अगर टर्सरी की बात करता हूं मैं, तो टर्सरी में भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, कोई भी ग्रुप अटैच कर दीजिए उसके बाद एनएच लगा दीजिए और सीएसटी लगा होगा, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, बाकी जो नॉमनक्लेचर करते हैं अभी तक वैसे ही नॉमनक्लेचर होगा, ये इथर कीटोन और एमाइन का
सेम तरह से नॉमेनक्लेचर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि लास्ट में सफिक्स जो होता है वो इनके फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाया करता है। फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसके रिगार्डिंग हम उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, बाकी एज इट इज रहेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा। और प्राइमरी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही रहेगा उसका नाम रहेगा, सेकेंडरी में दो आ जाएंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें भी तीन आ जाएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना। कई बार नाम से दे देता है क्वेश्चन, ये C2H5 CH3, ये मेरे पास आ गया CH2 CCH, इस तरह से। अब मेरे से वो पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा भाई, इतना बड़ा दिख रहा है, अब इतने बड़े का नाम कॉमन नहीं बताना, वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि इसका कॉमन नेम कैसे बताएंगे। बट जितनी बड़ी स्ट्रक्चर दिख रही है उतना ही सिंपल हो जाता है, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं, असेंडिंग ऑर्डर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें उसको फॉलो करना है। देखो ये एल्किल ग्रुप देखते जाओ, ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, और मेरे पास ये एल्किल ग्रुप, इसे कहता हूं मिथाइल, इसे कहता हूं इथाइल, और ये प्रोपार्जिल। अब मुझे देखना है कि पहले अल्फाबेटिकल कौन, एथाइल आ रहा है, फिर मिथाइल आ रहा है, ये मिथाइल आ जाएगा, और लास्ट आ जाएगा मेरे पास में प्रोपार्जिल। तो इथाइल मिथाइल प्रोपार्जिल एमिन, इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर होता है। एमाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का ध्यान रखना है, और दूसरा इसका इनके अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर जो होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तीनों में इथर, कीटोन और एमाइन, इन तीनों में स्पेशली ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। उसके रिगार्डिंग नियो आता है तो नियो और आइसो, अगर नियो आइसो दोनों आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जैसे मेरे पास नियो आइसो दोनों आ जाता है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, नियो आइसो का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, जो पहले आएगा, जैसे नियो नियो बाद में आता है, आइसो पहले आता है, तो आइसो वर्ड जो होगा, आइसो जो आइसो से रिलेटेड जो भी कार्बन चेन होगी उसका नाम पहले आएगा, उसके बाद में नियो आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है हमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। इस तरह से नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। ये दो तीन टाइप्स थे, इसके अलावा जैसे कई बार आता है हमारे पास में, इसका भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, जैसे ये NH लगा लेते हैं, तो ये मेरे पास एज इट इज रहेगा प्रोपार्जिल बाइनिल एमाइन, सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। सेकेंडरी एमाइन का ध्यान रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का ध्यान रखना है। एक एल्किल ग्रुप तो प्राइमरी, दो एल्किल ग्रुप तो सेकेंडरी, और तीन एल्किल ग्रुप होगा तो टर्शियरी एमाइन हो जाया करता है। इस तरह से नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम सिस्टम जो है वो खत्म होता है। बहुत सिंपल था, इजी था, दो तीन बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे इजिली आ जाएगा समझ में। इसके अंदर एक चीज बताना था, मैं बता देता हूँ, वो जैसे अपन ने वो वन वैलेंसी का सीखा था, अगर एक वैलेंसी है मेरे पास में, वन वैलेंसी रेडिकल है ना, जैसे ये रहा CH3, और अगर दो वैलेंसी वाला रेडिकल आता है, और अगर मेरे पास में तीन रेडिकल वाला आता है, जैसे वो अपन बेंजीन का करते हैं ना, एक तो ये, एक ये और एक ये, इसको तो बोलूंगा मैं मिथाइल, अगर वन वैलेंसी रेडिकल है तो वन वैलेंसी रेडिकल को मिथाइल बोलूंगा, इल सफिक्स लग जाएगा। अगर दो वैलेंसी है तो मिथाइल मैथिलीडीन, मैथिलीडीन लिडीन डीन लग जाता है पीछे की तरफ, अगर दो वैलेंसी फ्री है तो, और अगर तीन वैलेंसी है तो उसके लिए क्या लग जाएगा, मैथिलीडाइन डाइन, पीछे डाइन लग जाता है, मैथिलीडाइन मैथिलीडीन मैथिलीडाइन, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। इनकी बात करो तो इनको बोलता हूं, जैसे इसको बोलता हूं बेंजील, हम सब जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजल, और इसको बोलते हैं बेंजो। लेकिन इसके अलावा हम इसको, ये तो एज इट इज है, इसको हम बेंजीलिडिन भी कह सकते हैं, बेंजल भी कहते हैं, कई बार लिखा बेंजल लिखा था, कई बार बेंजीलिडिन लिखा आता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है बेंजीलिडिन। और अगर इसका इसको बोल देंगे हम बेंजी बेंजीलिडाइन, बेंजीलिडाइन बोल देंगे इसको, तो इसका इनके नाम का ध्यान रखना, अगर वन वैलेंसी रेडिकल है तो मिथाइल, टू वैलेंसी रेडिकल है तो मिथाइलिडीन, और तीन वैलेंसी रेडिकल है तो ट्राइवेलेंसी रेडिकल है तो मिथाइलिडीन, इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर होता है। और यहां पर हम, ये भी बहुत फेमस है, इससे नॉमेनक्लेचर होता है, तो उसमें पूछता कई बार बेंजील
बेंजल और बेंजो, बेंजिलिडीन बेंजिलिडाइन, इस तरह से इनका ग्रुप हो जाया करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।